हम सब चाहते हैं कि हमारा जो फीमेल पार्टनर हो वो दिल से हमारे साथ कनेक्टेड हो। एक जमाना था जहाँ लड़कों की डिसलॉयल्टी को लेकर लड़कियों में बड़ा इशू रहता था। आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि जो लड़की हो यार, मैं उस वो मेरे से दिल से कनेक्टेड है या नहीं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं इस टॉपिक को आपके साथ लेकर आई हूँ कि कैसे पता करें कि वो लड़की मेरे को दिल से प्यार कर रही है या सिर्फ घुमा रही है और चला रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा आपको। आपको कैसे समझ में आए कि वो सिग्नल्स हैं, वो कनेक्शंस हैं जो मेरे को दिल से कनेक्ट करती है एक लड़की। मैं आपको आज साइकोलॉजी बताऊंगी लड़कियों की, क्या वो लव में होती हैं तो कैसे आपको उनके सिग्नल्स मिलने चाहिए। एक वो लड़की जो आपको दिल से कनेक्ट रहती है और वो लड़की जो आपको साथ सिर्फ फ्लिंग कर रही है, सिर्फ हुकअप कर रही है, दोनों को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं और आज मैं आपको मनोविज्ञान बताने वाली हूं लड़कियों का कि क्या चीजें उन्हें प्लेजर देती हैं, क्या चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो आपके साथ सच्ची में प्यार करती हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे पता चले कि ये लड़की मेरे साथ दिल से प्यार करती है और मुझे कनेक्ट करती है। बहुत से रिलेशनशिप आजकल के टाइम पे सिर्फ फ्लिंग्स के लिए बन रहे हैं, सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए, लस्ट के लिए हैं। और ऐसे में सिर्फ लड़के नहीं, आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं हैं जो एक लड़की 10-10, 12-12 बॉयफ्रेंड्स घुमा रही है इधर से उधर और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते। कई लड़के जो बहुत दिल से, कई रिलेशनशिप्स जहां बहुत दिल से कनेक्शंस होते हैं और फिर हमें बाद में पता चलता है कि मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं डेफिनेटली उल्लू बन गया इस रिलेशनशिप में। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, टिप नंबर 1, ऐसी लड़की जो आपकी सिचुएशन को समझती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, फिजिकल सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ अपनी नीड्स को नहीं देखती, वो आपको दिल से प्यार करती है। दूसरी ओर वो लड़की जिसको सिर्फ अपनी नीड्स से मतलब है, मुझे आप यहाँ आके मिलो, आप कहीं भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी ये चाहिए, आप कहाँ हो, क्यों हो, किस लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपकी सिचुएशन को समझते हुए, अपनी नीड्स को थोड़े समय के लिए दरकिनार करते हुए आपकी सिचुएशन में आपके साथ है, तो वो लड़की आपको दिल से प्यार करती है, ना कि ऐसी जो अपनी नीड्स को ऊपर रखते हुए आपकी सिचुएशंस को लाइटली ले रही है। दूसरी चीज, दूसरा सिग्नल जो आपने ध्यान रखना है, ऐसी लड़की जो सिर्फ आपको अपने रूल्स पे चलाती है, मैं चाहती हूँ ये ऐसा होना चाहिए, आप मुझे 5 बजे से पहले फ़ोन नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, तू मुझे ऐसा नहीं बोल सकता है, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ तू मेरे से बात नहीं करेगा, ये मेरा फ्रेंड है तू उसके बारे में नहीं बोलेगा, उसकी बजाय वो लड़की जो आपको इम्पोर्टेंस के साथ साथ अपने पर्सनल स्पेस की बाउंड्रीज में भी आपको वैल्यू करती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ दे देना, लेकिन स्टिल आपकी वैल्यू के साथ साथ आपको समझती है, अंडरस्टैंड करती है और आपके साथ मिलके कुछ रूल सेट करती है, वो आपको दिल से प्यार करती है। अब रूल्स का मतलब समझते हैं, जैसे पर्सनल स्पेस का एक रूल है कि हम इसको इस समय पे रखेंगे, हम अपनी रोज रात की बात 7 बजे से 8 बजे के बीच में करेंगे, जो आपके लिए भी कंफर्टेबल टाइम है और मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है मैं तो रात को ही बात करूंगी, आपने देखना है। जब आप म्यूचुअली एक रूल रख रहे हैं तो वो लड़की आपको दिल से वैल्यू करती है और वो खुद भी चाहती है कि वो आपसे कनेक्शन रख पाए। तीसरा सिग्नल जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन लड़कियों का जो आपको फ्लिंग पे रख रही हैं, जो सिर्फ आपके लिए हुकअप कर रही हैं, जो आपसे सिर्फ लस्ट की भावना रखती हैं, वो लड़कियां डेफिनेटली आपसे ऐसा बोलेंगी कि तू अब मेरे को मजबूर कर रहा है, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, आप जान मुझ के ऐसी चीजें करते हो कि मैं आपको कभी भी छोड़ दूंगी। वो आपको ब्लेम करेगी कि तेरी वजह से मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मेरे को बाद में कुछ मत कहियो। जबकि जो आपसे प्यार करता है वो कभी इस बारे में बात ही नहीं करेगा कि मुझे आपको छोड़ना है या मैं आपसे छोड़ना चाहती हूँ। वो डेफिनेटली आपको कंप्लेन जरूर कर सकता है कि मुझे आपका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है, मुझे इससे रोना आता है, मैं इससे हर्ट होती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि तेरी ये हरकत मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, तो डेफिनेटली ट्रू लव नहीं है। एक अच्छी लड़की वही है जो छोड़ने के बारे में नहीं, आपको इंप्रूव करने के बारे में सोचे। चौथा सिग्नल जो आपको पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो लड़की जो आपके दोस्तों पे हंसे, आपकी हॉबीज पे हंसे, यार तू इस तरह के कपड़े पहनता है, ये कौन सी बाइक है, अरे ये तेरा दोस्त कितना उल्लू सा लगता है ना, अजीब सा है। इसके अलावा ऐसी लड़की जो आपके फ्रेंड्स को वैल्यू करे, एक्साइटेड हो आपके फ्रेंड्स से मिलने में, आपके जैसे भी फ्रेंड्स है उसे एक्सेप्ट करे, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम दे पाए, आपको अपनी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए टाइम दे पाए, आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी जो हॉबीज है उसको रेगुलरली वैल्यू करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कोर्स को डिग्रेड करे कि यार तू ये क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ाई तो बहुत ईजी
होती है, तुम स्टडीज में अच्छा नहीं होगा, हर चीज में आपको इंपॉर्टेंस दे, एक्सेप्ट करें जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आपके फैमिली रिलेशंस खराब हो सकते हैं, ऐसे में आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स को वैल्यू करती है, प्रेजेंटेबल लगना चाहती है आपके फ्रेंड्स में, तो ये वो लड़की है जो आपको दिल से प्यार करती है और आपकी इमेज उसे आपके फ्रेंड्स के आगे बनानी है, इसलिए वो एफर्ट्स देती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सिग्नल जो यूजली लोग मिस कर जाते हैं, ऐसी लड़की जो आपको किसी से कंपेयर करती है वो आपको कभी प्यार नहीं करेगी। शायद वो कंपेयर कर रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, शायद वो कंपेयर करती है किसी पब्लिक फिगर से, शायद वो कंपेयर करती है अपने किसी प्रोफेसर से, टीचर से, किसी बेस्ट फ्रेंड से। जो लड़की आपको सच्चे में प्यार करती है वो आप जैसे हैं आपको वैसा एक्सेप्ट करेगी। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हर कोई अपने पार्टनर में करना चाहता है, हर कोई अपने पार्टनर को डेफिनेटली ये बताता है कि तुम ब्लू नहीं पिंक टी शर्ट पहनो या ये नहीं ये पहनो, उसमें तुम अच्छे लगते हो। लेकिन वो अगर आपको कंपेयर करती है दैट योर बॉडी इज सो लीन, तुम अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी बियर्ड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तुम किस तरह से पहनते हो, अगर वो आपको कंपेयर कर रही है तो वो आपको दिल से कनेक्ट डेफिनेटली नहीं करती। और अगर आपको दिल से कनेक्शन फील करना है तो आपको ये साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। एक अच्छी लड़की आपकी सिचुएशंस को समझेगी, अपनी नीड्स को नहीं समझेगी। एक लड़की, अच्छी लड़की आपके साथ प्रोग्रेस करेगी, आपसे प्रोग्रेस मांगेगी नहीं। आप मुझे इतने पैसे दो की जगह अगर वो ये बोलती है, आप मिलके आपको ट्रेन करते हैं ताकि आप एक अच्छी जॉब कर सको, और तब तक मैं आपके लिए वेट करूंगी, कॉम्प्रोमाइज करूंगी, आपके साथ हूं हमेशा, आई विल बी देयर इमोशनली फिजिकली मेंटली एवरी टाइम विद यू, वो लड़की डेफिनेटली आपको प्यार करती है और उसे छोड़ के नहीं जाइए। प्यार मिलना अपने में एक जीत है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक सही पार्टनर मिला है, उसे प्लीज मत छोड़िए। आजकल के टाइम पे रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हैं, और अगर आपको 2021 में या उससे पहले एक ऐसा पार्टनर मिला है और एक ऐसी लड़की मिली है जो आपके साथ इन सब इमोशंस को वैल्यू करती है, उसका हाथ कस के पकड़िए, ये वीडियो उसे भेजिए, नीचे एक हार्ट का इमोजी बनाइए, उसे अप्रिशिएट करिए मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो वीडियो उसे भेजें, उसे वैल्यू करें और मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी अप्रिशिएट करें, और कोई और वीडियो आप चाहते हैं मैं उस बारे में बात करूं, मुझे डेफिनेटली वो टॉपिक मेल करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी एक और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ वीडियो आपके साथ मिलकर शेयर करूंगी।